दिव्या श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल इन येट अनदर एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो। दोस्तों, एक वक्त था जब ऑफिस में लीव लेने के लिए मेल्स नहीं एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ता था। ग्रोसरी शॉपिंग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लिक क्लिक टैप टैप से नहीं बल्कि घंटों लंबी लाइनों में खड़ी रहकर करनी पड़ती थी, और इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल बाबा नहीं बल्कि अपने खुद के बाबा के पास जाना पड़ता था। हाय, मैं हूँ आपके साथ ऋचा भाटिया और हम लौट आए हैं आपके फेवरेट मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो में। वैसे आज मैं सोच रही थी कि हमारे जो देश की आबादी है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह बढ़ रही है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इस फील्ड में चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। और आपको तो पता ही है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब मोर डिमांड ऑफ वर्क। एब्सोल्युटली राइट। हमारे यहाँ प्रोफेशन फैशन की तरह आता है, कभी टीचिंग इन होता है, कभी डिजाइनिंग और कभी सिविल्स। पर जॉब हो या बिजनेस, सबसे आगे रहने के लिए स्किल डेवलपमेंट इज अ मस्ट। और इसलिए हम लेकर आए हैं मैप ऑफ मी, एक बहुत ही अमेजिंग डिजिटल चैनल जो 11, 12 से लेकर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना है, मतलब पीपल एज बिटवीन 18 टू 23। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैप ऑफ मी यंगस्टर्स के हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स को भी एनहांस करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ड स्किल्स की। हार्ड स्किल्स वो हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए आपको सीखनी ही पड़ती हैं, जैसे कि अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंट्स पढ़ना जरूरी है। वैसे ही है सॉफ्ट स्किल्स जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एनहांस करते हैं, फॉर एग्जांपल लिसनिंग, पेशेंस, एम्पैथी और कॉन्फिडेंस। इतना ही नहीं, हम अपने व्यूअर्स को चांस देते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। शो के एंड में पूछे गए दो सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको बस करना ये है कि लॉग इन करना है www.mapofme.in पर। वैसे तुम्हें पता है, आईटी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आने वाले टाइम में भी हाई डिमांड में रहेगा। ऑब्वियसली भाई, इट्स सो लिट और इसलिए ट्रेंड में तो रहेगा ही। तो फिर इसी बात पर एक काम करते हैं, अपने जो यूथ है उसके कंप्यूटर नॉलेज चेक करते हैं। चलो। क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ? रूबी ओजैर। आई एम डॉक्टर सोनल गुप्ता। आई एम ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फैशन डिजाइनर एंड स्टाइलिस्ट इन बॉलीवुड। सबसे पहला सवाल, WWW की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, आई थिंक सो। वर्ल्ड वाइड वेब, क्या बात है। अच्छा, माउस में कितने बटन्स होते हैं? आई थिंक 104। माउस 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 सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट कीबोर्ड। माउस इज 2 लेफ्ट एंड राइट, की एंड बीच में स्क्रॉलर। वेरी नाइस। अच्छा, आपका स्मार्टफोन स्मार्ट क्यों, आपको क्या लगता है? जस्ट बिकॉज नाउ वी आर फीलिंग दैट ऑल वर्ल्ड इज कनेक्टेड इन द मोबाइल ओनली, सो दैट्स व्हाई आई फील एंड वी कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम द मोबाइल, लाइक बैंकिंग, लाइक प्रोफेशनल वर्क, लाइक पर्सनल कनेक्शन एंड ऑल दैट। मेरा स्मार्टफोन स्मार्ट इसलिए है क्योंकि मुझे ये शॉपिंग की ऐप्स में से बहुत सारी डाउनलोड कर सकती हूँ, मुझे टाइम टाइम पर इसके डिस्काउंट्स के बारे में पता चल जाता है। ओके, आई हैव गूगल मैप्स और मैप्स डाउनलोडेड ऑन देम, तो मुझे इधर उधर साइंस देखने का वेट नहीं करना, मुझे ट्रैफिक ऑन द स्पॉट पता चल जाता है, इजीएस्ट रूट वगैरह पता चल जाता है, एंड देन आई हैव ऑब्वियसली कैमरा फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग दैट यू नो, एवरीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज स्मार्ट, राइट? सो दैट्स एक्चुअली माय स्मार्टफोन। आपको अपने काम से रिलेटेड भी कुछ लगता है कि आपको फायदे हैं आपके स्मार्टफोन के? या नेचुरली बिकॉज व्हाट्सएप इज द मोस्ट यूजेबल ऐप, या जस्ट बिकॉज वी आर मोस्टली शेयरिंग आर यू नो कॉस्ट्यूम रिलेटेड पिक एंड ऑल दैट, दैट्स ऑल रिलेटेड, सो इट्स वेरी यूजफुल बेसिकली। अच्छा, आपको क्या लगता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है? अकॉर्डिंग टू न्यूज़ बात करूँ तो आई मे बी रॉन्ग, बट आई हैव स्टडीड दिस, मे बी 40% ऑफ द इंडियन जॉब्स हैव ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड बाय AI। ओके, नेचुरली, क्योंकि मैन मेड वर्क तो कम हो गया है जस्ट बिकॉज कि हम ज़्यादातर वर्चुअल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स वाई पीपल ऑफकोर्स व्हाट आई फील कि
लाइक एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली गेटिंग प्रोग्रेसिव बाय डे. सो मे बी आई कैन से, क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू कैन सी अगर मैं गूगल पे एक चीज़ सर्च करती हूँ, मैं उससे रिलेटेड एड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और एनी अदर सोशल ऐप जो मैं यूज़ करती हूँ उस पर मुझे हमेशा मिलते हैं. तो दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली यू नो मॉनिटरिंग योर ईच एंड एवरी स्टेप. जो और फिर इससे ह्यूमन एफर्ट इज, अगर मैं कम्फर्ट के लेवल में बात करूँ तो इट्स गोइंग टू बी लाइक जो लोग जाकर मार्केट में परचेजिंग करना वगैरह पसंद करते हैं, बट देन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डिस्काउंट्स वगैरह ऑनलाइन ही पता चल जाएंगे अगर, तो फिर कौन जाकर शॉप्स पर शॉपिंग करना पसंद करेगा. देन यू गेट कि आपको उन शॉप्स पे जो मैनुअल पावर चाहिए होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी ऑनलाइन परचेज करना पसंद कर रहे हैं. यस दैट्स करेक्ट मैम. और कुछ आपको जो लगता है कि मतलब आईटी के बारे में कुछ ऐसा इवोल्यूशन हुआ है या कुछ बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इसके? सी एवरी कॉइन्स हैज अ बोथ साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो. सो कोई भी रेवोल्यूशन हो या कुछ भी हो या कोई भी इनोवेशन हो, उन सब में आपका प्रोज एंड कॉन्स दोनों चलता है. AI है वो यंगस्टर्स के करियर को, उनकी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है उनके करियर पे, आपको क्या लगता है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? वेरी रिलेटेड टू टुडेज यूथ, बिकॉज टुडेज यूथ इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो इफ़ यू आर सर्चिंग और इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, इट्स लाइक गेटिंग ट्रैक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल द टाइम थ्रू एनी ऑफ द एप्स, मे बी थ्रू गूगल, राइट? सो इट्स लाइक कि मतलब बट आपने अभी बताया दैट यू हैव रेड समवेयर कि 40% जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो चुकी हैं. सो वो आपको नेगेटिव लगा या पॉजिटिव पॉइंट लगा? इंडिया के हिसाब से मुझे ये रॉन्ग लगा, बिकॉज इंडिया में पावर्टी रेट इज़ हाई एंड जो लोग अपना लाइक डेली वेज अर्न कर सकते हैं, बैरिगेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैरिगेट ओपन करना क्लोज करना ये भी एक टास्क है. अगर वो भी हम रोबोट से रिप्लेस कर रहे हैं, मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो किसी एक लाइक आदमी की नौकरी खा गया है जिसकी वजह से उसका घर चल सकता है. आईटी में आजकल आप पता है कि विमेन बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि विमेन ग्रो कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे? नेचुरली वुमेन को तो हर जगह ग्रो करना चाहिए, तो इट्स ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन आई एम सपोर्टिंग देम ऑलवेज, तो ये बहुत अच्छी बात है. थोड़ा सा बॉयज को डेफिनेटली होनी चाहिए. डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है मैम. वेरी नाइस टॉकिंग टू मैम, थैंक यू. मुझे आप ये बताइए, तीन ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, बेसिक थिंग्स इन आवर डेली रूटीन में? टाइपिंग, इंटरनेट सर्फिंग, हाँ, एंड शॉपिंग, दैट इज बहुत सारी चीज़ें. अगर सिर्फ कंप्यूटर पे तो कंबाइनिंग डेटा, क्रिएटिंग मूवीज, क्रिएटिंग वीडियोज, it's a lot more that you can do on your computer. Okay, so as you said that you are not from the IT field, but still I just have a question in my mind jisme I just want to ask ki aapko kya lagta hai IT sector mein women bhi hai jo wo bahut aage ja rahi hai, right? Kandhe se kandha milakar chal rahi hai, aapko kya lagta hai kya IT sector mein ek men aur women ko differentiate kiya jata hai kahin na kahin, according to you, in your point of view? अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ और अपनी फील्ड के बारे में कहूँ, तो मेडिकल में मैंने ये चीज़ नहीं देखी है कि वेमेन और मेन में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंसड इट. जब मैं जॉब की इंटरव्यूज़ के लिए जाती हूँ हॉस्पिटल में, मुझसे भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे कलीग से भी सेम पूछे जाते हैं, और अगर उसने मुझसे बेटर आंसर दिया होगा तो उसको बेटर सैलरी मिलेगी, और मैंने उससे एक कम आंसर दिया होगा तो मुझे कम सैलरी मिलेगी, लेकिन जॉब दोनों को मिल जाती है. अब आईटी के सेंस में, अब जो चीज़ मैंने मेडिकल में देखी है, आई विश कि वही चीज़ आईटी में भी होती होगी, और आई विश कि वही हो, बिकॉज आई वॉन्ट कि फीमेल को उसके जेंडर के ऊपर नहीं जॉब मिलनी चाहिए, उसके कैलिबर पर जॉब मिलनी चाहिए. एंड सेम इज़ फॉर द मैन. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विद अस. थैंक यू. और इनके व्यूज़ तो आपने जाने ही, लेकिन मैप ऑफ मी शो में हम और भी लोगों से व्यूज़ जानेंगे, उनके क्या कहते हैं लोग कि AI क्या हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, और जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो स्मार्ट क्यों हैं. आप बने रहिए मैप ऑफ मी में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रिचा भाटिया. सो लेट्स गो. यार आई मस्ट से, आज के यूथ को किसी और चीज़ की नॉलेज हो ना हो, पर कंप्यूटर्स की अच्छी खासी नॉलेज है, होनी भी चाहिए. कंप्यूटर इज द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल,
एंड यू नो वॉट, आई टी सेक्टर में 34% वुमेन हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज. वाओ, तो क्यों ना आगे के सवाल वुमेन आई टी एक्सपर्ट से ही पूछा जाए. हमारे साथ हैं आईटी एक्सपर्ट जो वेब डेवलपर हैं, अनामिका मेहरा जी. सबसे पहले आपके तहे दिल से वेलकम है हमारे आज के एपिसोड में. थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय आप हमें दे रही हैं. आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे और अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करने वाली हैं और किस तरह से उनको हेल्प मिल सकती है आपके व्यूज से और आपकी जो भी आप नॉलेज हमें देंगी, ताकि वो एक अच्छी जॉब पा सकें और एक अच्छा एंटरप्राइज अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकें. सो वार्म वेलकम वंस अगेन. सो अनामिका, सबसे पहला सवाल, आईटी है क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? IT is basically using of computer technology to process stored data, that is electronic data and information, like everything is digital. Mm-hmm. So how we implement all of it, hamari technologies ko use karke, softwares ko use karke, sab digital, like electronic and digital. Yeah. Okay, so Anamika, mera next jo sawal hai wo ye hai, ye bahut hi important sawal hai, although increased but still women are very less in IT industry as compared to men. So, ऐसा क्यों है? मुझे लगता है शायद उनके जो स्किल्स होती हैं, जैसे कोडिंग स्किल्स हो गई उनकी, उसको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, इज वन ऑफ द रीजंस. इसलिए बूम इतनी है नहीं आईटी में शायद, बट इट इज इंक्रीजिंग, बूम हो रहा है ये भी और आई होप फॉर कमिंग ईयर्स में ये इम्प्रूव हो जाए. तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है कि जो कोडिंग स्किल्स हैं वो मेन में ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वुमेन? कोडिंग कोई भी कर सकता है, बट ये सोच रखी जाती है कि दे आर बेटर कोडर्स. राइट. अच्छा, आप क्योंकि वेब डेवलपर हैं, अपने काम को इजी बनाने के लिए और कौन से स्किल्स आप यूज करती हैं? बेसिकली जैसे क्लाइंट से बातें करनी होती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. उसके अलावा हमें क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है तो हमें जो एक टास्क दिया जाता है उस पर हमें ये सोचना पड़ता है कि कम टाइम में ये चीज कैसे इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके लिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. आईटी इंडस्ट्री में डेडलाइंस कितनी इम्पोर्टेंट? जैसे क्लाइंट हमें एक टाइम देगा ही, उस टाइम फ्रेम में हमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करके देनी पड़ती है, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारे हम जो भी सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें हमें वो उस टाइम फ्रेम में देना पड़ेगा. जैसे एक आध हफ्ते का चलता है, बट जितना हम कहते हैं उन्हें उस टाइम में हमें देना पड़ता है. अच्छा, जब भी किसी आईटी प्रोफेशनल को हायर करने की बात आती है तो किस तरह के 5 स्किल्स उसमें देखे जाते हैं ताकि वो बेस्ट एम्प्लॉय हायर कर सके? हम उसमें लीडरशिप स्किल्स देखते हैं, उनके सॉफ्ट स्किल्स देखते हैं, उनकी कोडिंग एबिलिटी देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालाइजिंग एबिलिटी देखते हैं. अच्छा, डू मेन एंड वुमेन गेट पेड द सेम अमाउंट इन आईटी इंडस्ट्री? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक वो स्टार्ट सेम पे से होता है, पर धीरे धीरे करके डिस्पैरिटी बढ़ जाती है. मेन का रेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, उनके प्रमोशंस जल्दी जो होते हैं. आई गेस ये सारी इंडस्ट्री का यही केस है कि जो वुमेन है उसको कम रुपए भी दिए जाते हैं, चाहे मूवी इंडस्ट्री देख लो, ऐसे आईटी में भी ऐसा है. धीरे धीरे करके आई होप ये डिस्पैरिटी कम हो जाए. अच्छा, कोई भी अगर आईटी प्रोफेशनल है, कोई अपना नया एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है और या फिर कोई एक अच्छी जॉब पाना चाहता है, ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी 5 स्किल्स या क्या आप उनको टिप्स देना चाहेंगी? ये कहूँगी कि जैसे IT, MCA या BTEC, CS करके आप काफ़ी सारे लाइन्स पे जा सकते हैं. अगर आपकी कोडिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है तो आप BA में चले जाएँ, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो. ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें अगर आपकी कोडिंग अच्छी नहीं हो आप उसमें भी जा सकते हैं, और अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएं, क्योंकि उसमें उस बात की इम्पोर्टेंस है. आपको बिजनेस एनालिस्ट की जैसे पोजीशन हो गई, उसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप में रखने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी क्लाइंट से कम्युनिकेशन होती है. आप जो है किस डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच का एक मतलब मिडिल ग्राउंड होते हो, कि आप उनसे कन्वर्सेशन करनी होती है, इसलिए वहाँ पे कोडिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती. बाकी जैसे डेवलपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट, उसमें आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. थैंक यू सो मच अनामिका जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की. थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम. यार, इनसे बात करके तो मैं भी इंस्पायर हो गई. होल्ड योर हॉर्सेस. वैसे आईटी में जाने के लिए हार्ड स्किल्स होना भी तो जरूरी है.
पर फिलहाल हमें अपने व्यूअर्स को आईटी हायरिंग के बारे में बताना है। बिल्कुल, और आईटी हायरिंग में स्पेसिफिक क्वालिटीज के साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी मस्ट है, और हमारी अगली गेस्ट हमें उन्हीं के बारे में ब्रीफ करने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली गेस्ट से। सो मैप ऑफ मी में मैं हूँ आपके साथ ऋचा भाटिया, और जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, आपकी और हमारी तरह आम जनता से बात करेंगे और कुछ सवालों की बौछार करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आज भी मेरे कुछ सवाल हैं और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी, यहाँ पर आपको नाम जान सकती हूँ, सृष्टि। सृष्टि है यहाँ पर, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं इनसे करने वाली हूँ और देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। अच्छा, मेरा पहला सवाल है, WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अरे वाह, तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा, जो माउस होता है उसमें कितने बटन्स होते हैं? अभी तो दो होते हैं, बट मैं माउस यूज करती नहीं हूँ ज्यादा, बट आई थिंक आप बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे डबल क्लिक, राइट क्लिक, रोल कर सकते हैं आप। सो बेसिक ऑपरेशन आप बहुत सारे कर सकते हैं माउस। अच्छा, आपको क्या लगता है हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो स्मार्ट क्यों हैं? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ AI, विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI अभी मार्केट में बहुत यूज़ है, उसका बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट हमेशा से डिबेट चलता है क्या AI ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, एंड द सिंपल आंसर इज नो। आप AI से आप रेपिटेटिव काम करवा सकते हैं, बट आप क्रिएटिव थिंकिंग उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो कि एक ह्यूमन का काम है। So simple answer is no, AI cannot replace human jobs. अच्छा, आपको क्या लगता है जो AI है वो किस तरह से हम humans की help कर रहा है to grow our career? Google Map is an AI, Google में use होता है, आप smart shopping करते हैं वहाँ पर use होता है, आप ambience mall जाइए वहाँ पर use होता है, everything is AI right now. आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं AI जो है वो हम youngsters की help कर रहा है हमारे career को grow करने में, हमें आगे बढ़ने में? जी बिल्कुल, डेटा एनालिस्ट AI, बिजनेस एनालिस्ट AI, एंड AI काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, वो जॉब्स क्रिएट कर रहा है फॉर श्योर। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप अपनी ट्रेनिंग्स करिए, एंड इनफैक्ट आई विल से कि AI, ब्लॉकचेन, ये सब बहुत आगे की टेक्नोलॉजीज है, अगर लोग उसमें कोर्सेज करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, और अभी ट्रेंडिंग में है ये सब टेक्नोलॉजीज, काफ़ी ट्रेंडिंग में, तो आई थिंक उनको करना चाहिए, उनको परस्यू करना चाहिए। अच्छा, तीन ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं डेली रूटीन में जो हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं? आप ऑनलाइन टिकट करिए, आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना होगा, आप ऑनलाइन टिकट बुक करिए, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, आप तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। अब तो लैपटॉप्स भी एडवांस हो चुके हैं, इवन आई एम यूजिंग अ टच स्क्रीन लैपटॉप, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि माउस यूज नहीं करती हूँ। फाइन, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करिए, आप टिकट्स बुक करिए, आप अपना वेदर चेक करिए, आप कुछ भी करिए, अब लैपटॉप में सब कुछ हो चुका है। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए, वैसे तो आई नो क्योंकि हमारी पहले कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, आई नो यू आर नॉट फ्रॉम द आईटी फील्ड, लेकिन आपको क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आईटी में एक मेन और वुमेन, क्या उनकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो सेम होती है या नहीं होती है, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? आई थिंक इट डजंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, आईटी में जहाँ तक मैं जानती हूँ सैलरी सेम ही होती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज। आपको जज किया जाता है आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आपको नॉलेज है आपको उससे ज़्यादा भी पे मिल सकता है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आपको उनकी जैसी या उनसे थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिले। बट हाँ, अगर जेंडर इक्वालिटी की बात है तो सैलरी सबको इक्वल मिलती है अगर वो सेम करियर पोजिशन पर है तो। आपको क्या लगता है जो स्मार्टफोन्स है, क्या उनसे एक महिला जो घर पे बैठी है, जो अपने सपने पूरा करना चाहती है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है, रीजन कोई भी हो, क्या वो उसे पूरा कर सकती है? बिल्कुल, आप आजकल सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव है, अगर आप बाहर नहीं निकल के काम कर सकती, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बनाइए, आप पिक्चर्स क्लिक करिए, आप उसको सोशल मीडिया पे डालिए, अपने कॉन्टेक्ट दीजिए और पीपल आपको अप्रोच करेंगे, अगर आपका काम अच्छा है आप वहाँ से आप धीरे धीरे शुरुआत तो करिए। तो सोशल मीडिया अभी सबसे लाइक ऐसी चीज़ है जो सब यूज़ कर सकते हैं और बहुत अप्रोचेबल है, बहुत इजी है, अब सोशल मीडिया सीखने में भी किसी को टाइम नहीं लगता है, इट्स जस्ट वन टैप अवे। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे चैनल की तरह ही हमारा यूथ भी विमेन को सेलिब्रेट करने में पीछे नहीं रहता,
एग्जैक्टली सेक्टर चाहे कोई भी हो, विमेन का पार्टिसिपेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड दैट्स अमेजिंग. बिल्कुल. एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. लेकिन जो वादा किया दोस्तों वो तो निभाना ही पड़ेगा. भाई प्राइजेस जीतने हैं कि नहीं? ऑब्वियसली अगर आपको प्राइजेस जीतने हैं तो हाजिर है क्विज कॉन्टेस्ट का पहला सवाल. और हमारा पहला सवाल ये है कि आईटी की फुल फॉर्म क्या है. और हमारा दूसरा सवाल ये है कि कंप्यूटर माउस में कितने बटन्स होते हैं. तो जल्दी से लॉग ऑन करें mapofme.in पर, हमारे सवालों का जवाब दें, हमारे क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और जीतें एक्साइटिंग प्राइजेस. सो गाइज, हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही न्यू एपिसोड्स एंड न्यू टॉपिक्स के साथ. तब तक आप हमारा क्विज सॉल्व कीजिए और हमारा 26 स्टेप चैलेंज लीजिए टू स्टार्ट योर करियर एज एन एंटरप्रेन्योर. और हमें अपना बिजनेस प्लान बताना मत भूलिएगा कि आप क्या एंटरप्राइज स्टार्ट करने वाले हैं. एंड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, मैप ऑफ मी पर यंग वुमेन और एंटरप्रेन्योर्स की वीडियोस देखते रहिए. एंड गाइज डोंट फॉरगेट, सिर्फ आईटी ही नहीं, मैप ऑफ मी भी लिट है.